साल 1947-48 में तमाम छोटी बड़ी रियासतों का भारत में विलय हो रहा था। इस विलय में शामिल था एक युद्ध, एक देश की सरकार और एक राजा की मजबूरी। एक राजपूत राजा जो चाहता था कि वो अपना खुद का देश बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने उस राजा के मंसूबों पर पानी फेर दिया और मजबूरी में इस राजा ने भारत के साथ मिलने पर हामी भर दी। इस राजा का नाम था महाराजा हरि सिंह। आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा महाराजा हरि सिंह का पूरा किस्सा, कैसे वो कश्मीर के महाराजा बने, किन हालातों में उन्होंने भारत के विलय पत्र पर दस्तखत किए और आज़ादी के बाद उनके साथ क्या हुआ। इन सारे सवालों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। हरि सिंह ने साल 1925 में कश्मीर की गद्दी संभाली थी। वो डोगरा राजपूत थे। कश्मीर में डोगराओं की सत्ता साल 1846 में स्थापित हुई थी, जब एंग्लो सिख वॉर के दौरान सोबराओं की लड़ाई में सिख हार गए थे। इस लड़ाई के बाद अमृतसर की संधि करके गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपए में कश्मीर को खरीद लिया और इसके राजा बन गए। इन्हीं गुलाब सिंह की चौथी पीढ़ी में जन्म हुआ था महाराजा हरि सिंह का। साल 1925 में वो सिंहासन पर बैठे। लेकिन दोस्तों, असल में हरि सिंह कश्मीर के असली उत्तराधिकारी नहीं थे, बल्कि उन्हें एक साजिश के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर की गद्दी पर बिठाया था। दरअसल हरि सिंह महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे। महाराजा प्रताप सिंह गुलाब सिंह और रणबीर सिंह के बाद जम्मू कश्मीर के राजा बने थे। प्रताप सिंह कभी नहीं चाहते थे कि हरि सिंह राजा बने, लेकिन अंग्रेजों ने हमेशा से हरि सिंह को ही तवज्जो दी। दरअसल वो कश्मीर की पॉलिटिक्स में एक ऐसा राजा चाहते थे जो उनकी कठपुतली बन सके। ऐसे में हरि सिंह को अंग्रेजों ने अच्छी एजुकेशन दिलाई। इसके बाद उन्होंने देहरादून के इंपीरियल कैडेट कोर में आर्मी ट्रेनिंग दी। यही नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने प्रांतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। उनकी जिम्मेदारी थी आर्मी को ट्रेनिंग देना और उनकी यूनिट ने कई जगहों पर वर्ल्ड वॉर में अच्छा प्रदर्शन किया था। इन सब से हरि सिंह पॉपुलर हो रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हरि सिंह को कश्मीर के दरबार में अच्छी जगह मिली। जब कश्मीर में 1920 के दौरान अकाल पड़ा तो हरि सिंह ने काफी मेहनत की। इस तरह लोगों के बीच पॉपुलर होते हुए उन्होंने साल 1925 में प्रताप सिंह की मौत के बाद कश्मीर की गद्दी संभाली और वो बन गए कश्मीर के नए महाराज। महाराजा हरि सिंह कई मायनों में क्रांतिकारी थे। जब वो महाराजा बने तो सबसे पहले उन्होंने कश्मीर की उन्नति, उसकी प्रोग्रेस पर ध्यान दिया। साल 1928 में जब श्रीनगर में बाढ़ आई तो वो खुद श्रीनगर के दौरे पर निकल पड़े। उन्होंने जम्मू और कश्मीर घाटी में 50-50 और गिलगित और लद्दाख के एरिया में 10-10 स्कूल खोलने का ऐलान किया और उनके निर्माण के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फ्री में लकड़ी भी दिलवाई। लड़कों के लिए उन्होंने शादी की मिनिमम एज 18 साल और लड़कियों के लिए शादी की मिनिमम एज 14 साल कर दी और साथ ही बच्चों के टीकाकरण का भी इंतजाम कराया। किसानों की हालत सुधारने के लिए कृषि राहत अधिनियम बनाया गया, जिसने किसानों को महाजनों के चंगुल से छुड़ाने में मदद की। इन सब के साथ साल 1932 के अक्टूबर महीने में उन्होंने एक ऐसी घोषणा की जिसने उन्हें एक क्रांतिकारी राजा की लाइन में खड़ा कर दिया। उन्होंने कश्मीर के सभी मंदिरों को दलितों के लिए खोल दिया। ये घोषणा महात्मा गांधी के छुआछूत विरोधी आंदोलन से भी काफ़ी पहले हुई थी और शायद देश में ये ऐसी पहली कोशिश थी। ये इतना क्रांतिकारी डिसीजन था कि रघुनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ने इसके विरोध में इस्तीफा तक दे दिया था। दोस्तों, शायद आपको पता ना हो कि महाराजा हरि सिंह ही वो राजा हैं जिन्होंने बाहरी लोगों के कश्मीर में जमीन खरीदने पर रोक लगाई थी। 31 जनवरी साल 1927 को उन्होंने एक राज्य उत्तराधिकार कानून लागू किया। इसमें लिखा गया कि महाराजा गुलाब सिंह के राजा बनने से पहले जो भी लोग कश्मीर में रह रहे थे वो ही कश्मीर के असली नागरिक हैं। इसके साथ ही बाहरी लोगों के कश्मीर में ज़मीन खरीदने, नौकरियां पाने, वजीफा पाने और कुछ मामलों में सरकारी ठेके पाने पर भी बैन लगा दिया गया। दोस्तों, यही वो कदम था जिससे आगे चलकर धारा 35A की ज़मीन तैयार हुई। इस धारा को 2019 में अनुच्छेद 370 के साथ ही खत्म कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक। हरि सिंह ने अपने दरबार में डोगराओं को तवज्जो दी।
कश्मीर की सेना को उन्होंने पूरी तरह से डोगराओं खासतौर पर राजपूतों के लिए रिजर्व कर दिया था। उनके इन सभी फैसलों के चलते उनके विरोध में आवाजें भी खड़ी हुई। जब कश्मीर में मुस्लिम स्टूडेंट्स ने पढ़ लिख कर नौकरियों में अपनी जायज हिस्सेदारी की मांग की तो पंडितों के लिए भी कंपटीशन खड़ा हो गया। नौकरियों का यही विवाद आगे चलकर कश्मीर में दोनों समुदायों के बीच तनाव का बड़ा कारण बना। साल 1930 के दशक में हिंसक झड़पों के बाद मुस्लिम राजनीति की जो स्टार्टिंग हुई उसने कश्मीर को आगे चलकर बदल के रख दिया। इसी कंपटीशन की राजनीति से शेख अब्दुल्ला उपजे थे, जिन्होंने आगे जाकर कांग्रेस के प्रभाव में आकर सेकुलर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की और डोगरा ब्रिटिश शासन से कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद किया। तो खैर, इसी बीच तीसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हरि सिंह ने भारतीयों के लिए ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में बराबरी के अधिकार की मांग उठाई और साथ ही उन्होंने राजाओं को एक ऑल इंडिया फेडरेशन में शामिल होने की भी अपील की। इस बात से अंग्रेज नाराज हो गए। इसी वजह से 1940 के दशक में जब कश्मीर घाटी में असंतोष भड़का तो महाराजा की मदद करने की जगह ब्रिटिश हुकूमत ने खुद को मुसलमानों के शुभचिंतक की तरह पेश किया और महाराजा की इमेज को खराब करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक ब्रिटिश अधिकारी कैल्विन को कश्मीर का पीएम बना दिया और साथ ही राज्य के तीन प्रमुख मंत्रालय जो होते थे, गृह मंत्रालय, राजस्व और पुलिस, इन सब को भी ब्रिटिश आईपीएस अधिकारियों को सौंप दिया गया। आगे चलकर हालात कुछ ऐसे बने कि हरि सिंह जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को खोते चले गए। साल 1930 में जब मंदी आई उससे तबाह होते कश्मीरी उद्योगों को भी वो संभाल नहीं पाए। आगे चलकर साल 1946 में शेख अब्दुल्ला ने भी भारत छोड़ो की तरह कश्मीर छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया और घाटी में उसके चलते तनाव बढ़ता चला गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हो गए। अब हरि सिंह को अंग्रेज़ों की जगह भारत और पाकिस्तान दो देशों से डील करना था। उन्होंने इस दौरान आज़ाद रहना चुना लेकिन उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था। एक तरफ थे जिन्ना, जिनके लिए कश्मीर ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर बहुमत में मुस्लिम आबादी रहती थी। दूसरी तरफ था इंडिया, जहाँ पटेल पहले तो कश्मीर को लेकर बहुत सीरियस नहीं थे लेकिन हैदराबाद में जिन्ना की साजिश से गुस्सा होकर वो भी कश्मीर को लेकर काफ़ी गंभीर हो गए थे। फिर कश्मीर को मिलाने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने एक चाल चली। उन्होंने पहले नाकाबंदी की और फिर कबायलियों की आड़ में अपनी सेना को कश्मीर में लड़ने भेज दिया। महाराजा लड़ाई लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी सेना पाकिस्तान की आर्मी के सामने कमज़ोर थी, इसलिए उन्होंने भारत से मदद मांगी। उधर भारत भी बिना विलय के सहायता भेजने को राजी नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि 26 अक्टूबर 1947 को 2 महीने की आज़ादी के बाद महाराजा हरि सिंह ने आखिरकार भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस तरह उनका आज़ाद डोगरिस्तान का सपना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। डोगरा वंश के वो आखिरी राजा थे और 26 अक्टूबर को कश्मीर में उनका आखिरी दिन था। यहाँ से निकलकर पहले वो जम्मू आए और फिर वहाँ से मुंबई चले गए। अपने साथ वो 48 मिलिट्री ट्रकों में अपने सारे कीमती सामान भर लाए थे, जिसमें हीरे जवाहरात से लेकर पेंटिंग्स और कालीन गलीचे सब कुछ शामिल थे। 20 जून 1949 को उन्हें औपचारिक तौर पर सत्ता से बेदखल कर दिया गया और वो हमेशा के लिए बम्बई में ही रह गए। आज़ादी के बाद महाराजा हरि सिंह को कोई खास तवज्जो नहीं मिली, वो गुमनामी का जीवन जीते रहे। मुंबई का गोल्फ कोर्स उनकी पसंदीदा जगह हुआ करती थी और इसी गुमनामी में साल 1961 की 26 अप्रैल को उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी डोगरिस्तान चाहने वाले कश्मीर के राजा हरि सिंह की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।